आफ्टरनून सर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? वाओ, यह किस तरह की सुंदरता है! ओह, आज कितना मजेदार दिन है, मैं बहुत सुंदर और फ्री हूँ। हेलो लड़को, तुम्हें पता है मुझे अब कहीं दर्द नहीं हो रहा है, मैं यंग और फ्रेश हूँ, खासकर अगर मेरे पास ऐसा रूममेट हो तो। लड़को शांत हो जाओ, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, क्या कोई मुझे बता सकता है? हेलो दोस्तों, तुम कैसे हो? ओ, तुम्हारा दोस्त वहाँ गिर गया है, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगी। हेलो डैन, नमस्कार, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं, यह तुम्हें पसंद है? हाँ हाँ, ये गुब्बारे में तुम्हारा पसंदीदा हैमस्टर है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्द ठीक होने में मदद करेंगे। क्या? ओह चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे दिलचस्प चीज मिस कर गया, मैं फोन पर गेम खेलूंगा। कितना शानदार दिन है। रुको, तुम जानवर के साथ कहाँ जा रही हो? ये एक अस्पताल है, जानवरों को हमारे पास आने की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम्हें खरगोश देना होगा। ठीक है, वह यहाँ तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम्हारी समस्या क्या है? क्या, क्या आपको जानवरों के साथ अनुमति नहीं है? मुझे स्टीव के साथ क्या करना चाहिए? मेरा वफादार कुत्ता, शायद अब हाथ उतना दर्द नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, दर्द हो रहा है। ठीक है, अब हम कुछ पता लगाएंगे। ओ, एक आइडिया है, मैं अंधा होने का नाटक कर सकता हूँ, फिर मेरे प्यारे कुत्ते स्टीव को निश्चित रूप से गाइड कुत्ते की तरह जाने दिया जाएगा। इसे कैसे करना है, इसको चेक करना होगा। ओ, ओ नमस्ते, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। ओ, मुझे किसने रोका? आप कौन है मिस्टर? आपने एक अंधे आदमी पर हमला करने का सोचा है? ओ, तो तुम अंधे हो, अच्छा अब जा सकते हो। उप्स, ये क्या, बॉल गिर गया? वाह स्टीव, नहीं बैड बॉय स्टीव। अब मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ। दोस्त तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारे मीठे बोन्स है, तुम मुझसे कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओह तुम चार पैर वाले जानवर, यह काम कर गया। स्टीव, अच्छे कुत्ते ऐसे व्यवहार नहीं करते हैं, क्या कोई चमत्कार हुआ? तो तुम अंधे नहीं हो, भागो यहाँ से। हमें यहाँ थोड़ी सफाई करनी होगी। गुड डे, क्या यह आपका बच्चा है? कितना प्यारा, और मेरे पास आपके बच्चे के लिए खिलौना है, मुझे उसे देखने दो। रुको, वो सो रहा है। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। ओह मेरे पास वहाँ एक कुत्ता है, मुझे माफ करना, मुझे टेस्ट कराना है, लेकिन मुझे अकेले रहने से डर लगता है। क्या मेरे राजकुमार के साथ जाना संभव नहीं है? समझ गई, ठीक है, अब हमें अब और नहीं देखेंगे, लेकिन खिलौना मेरे पास रहेगा। ओह आपको कहाँ भेजा गया था? एक मिनट रुको, हालांकि एक गिनी पिग है, रुको इसे यहाँ वापस दे दो, क्योंकि तुम जानवरों को हमारे पास नहीं ला सकते। माफ करना, लेकिन मैं नियम नहीं बनाता हूँ, जब डॉक्टर आपकी जांच कर लेंगे तो ये आपके पास वापस आ जाएगा। जानवरों के साथ इसकी अनुमति कैसे नहीं है? मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा, मैं अपने प्यारे तिलचट्टे के बिना नहीं जा सकती। अरे इस आदमी को कितना पीटा गया है, इसने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया है, मैं अपने सिर के चारों ओर एक पट्टी बांध सकती हूँ और इसमें कॉकरोच का एक जार डाल सकती हूँ, तब नर्स निश्चित रूप से मुझे जाने देगी, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा सा सिर पे बैंडेज होगा। ओह कितना दर्द हो रहा है। हेलो, क्या आपको कोई परेशानी है? वो मैंने इतना बड़ा पट्टी केवल कार्टून में देखा है। ओह माफ करना, आप अंदर जा सकती हैं। ओह मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हेलो दादी, क्या आपको लगता है कि घाव की पट्टी है और आप इससे सहमत है? कितना बढ़िया, वास्तव में ये मेरे पालतू जानवर है कॉकरोच, वे इतने प्यारे कि मैं उनसे अलग नहीं हो सकती, वे मुझे ठीक होने में मदद कर रहे हैं। दादी आप कहाँ जा रही हो? वे हानि नहीं पहुँचाते हैं, डरो मत। हेलो नर्स, मैं यहाँ ड्रेसिंग के लिए आया हूँ अपने दोस्त के साथ। क्या पालतू जानवरों को लाना वास्तव में असंभव है? ये कितना बुरा है, यदि मुझे पता होता तो मैं आपके हॉस्पिटल में नहीं आता, ये अच्छा नहीं है। क्या जानवरों के साथ अनुमति नहीं है? लेकिन मेरी मछली का क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। यह सही है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं एक्वेरियम से मछली को ड्रिप में डालूंगी, तब आप निश्चित रूप से उन्हें नर्स की मेज के पीछे ले जा सकेंगे, हम उसे ऐसा दिखाएंगे कि जैसे मेरे पास एक डिपर है। बहुत अच्छा आइडिया है यह। बढ़िया, अब हमें जल्दी से इस तरीके को चेक करना होगा, चलो चलते हैं। ओ हेलो, मैं बहुत बीमार हूँ, यह नहीं हो सकता, कितना डरावना है, चलो आप जल्दी से वार्ड में जाओ। हेलो दादाजी, और मैं आपकी नई रूममेट हूँ, मैं अपनी मछली को अंदर लाने में कामयाब रही, अब हम आपको एक और परिचित जगह पर ट्रांसफर कर देंगे। ओह यह खांसी वास्तव में मुझे परेशान कर रही है, मुझे थोड़ा पानी पीना है। अरे इस पानी में क्या है? क्या मैंने मछली पी लिया था? कितना डरावना है, क्या यह तुम्हारा है? लेकिन यहाँ जानवरों को नहीं ला सकते, यह अच्छा नहीं है।
हे भगवान, यह क्या है? तुम अस्पताल में किसे लाए हो? आप निश्चित रूप से एक एनिमल हॉस्पिटल समझकर इसे ले आई हैं। यह दूसरे रोड पर है और यह हॉस्पिटल आदमियों के लिए है। मुझे कुछ सोचना होगा। मैं अपने चूहे को अंदर नहीं ला सकती। वो एक आइडिया है। तुम स्मार्ट हो, है ना? तो चलो एक असली जासूस की तरह मेरे कमरे में वेंटिलेशन के माध्यम से चलते हैं। तुम्हें अंत में चीज के टुकड़े के रूप में इनाम मिलेगा। मुझे तुम्हारी चेक करना होगी। तुम्हारी टोपी के नीचे क्या है? और तुम्हारे पर्स में चीज। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? इसमें बहुत सारे छेद हैं। यह अजीब है कि तुम इसे खा रही हो। ठीक है, कोई जानवर नहीं है तो तुम जा सकती हो। थैंक यू। हेलो, मैं तुम्हारी नई रूममेट हूँ। थोड़ा शांत रहो, मुझे एक दोस्त से मिलना है। मिया, यहाँ चीज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चीज पर आओ। वाह, तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम खुद इस चलने में सक्षम थे और सीधे मेरे कमरे में भी। बढ़िया, कुछ और चीज खा सकते हो। ओह, जल्दी शिफ्ट खत्म होगा। रुको, आप जानवरों के साथ अंदर नहीं आ सकते। लेकिन ये हैमस्टर बिल्कुल पालतू जानवरों की तरह है। इसे आप देते हैं या हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे? बढ़िया। क्या हम घोंगे के साथ अंदर नहीं जा सकते? कितना बुरा है। मुझे कुछ सोचना होगा। मेरी लीजी को मेरे साथ आना है। वाह, मुझे लगता है कि आपकी सिस्टर इसमें मेरी मदद करेंगी। नहीं तो उसकी ट्रॉली तो निश्चित रूप से मदद करेगी। तो बस ट्रॉली में इसे चुपचाप रख देना है। मैं यहाँ घोंगा छिपाऊंगी, ढक्कन से सब कुछ कवर करूंगी और इसके बाद जा सकती हो। ओ, तुम फिर से? आज हमारे लिए कौन सी अच्छी चीजें हैं? यह क्या है? दलिया? कितना गंदा है। मैं कुछ कैंडीज खाऊंगा और इसे रोगियों के लिए ले जाओ। अरे, ये काम किया। हम दलिया क्यों नहीं खाते? मैं आपको अभी कुछ स्वादिष्ट चीजें दूंगी ताकि आप जल्दी से ठीक हो सके। ये सबसे अच्छी दवा है। और यहाँ मेरी लीजी है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। ओह, कितनी गर्मी है। और रुको, हम किसके साथ जा रहे हैं? कछुआ? कुछ नया, आप इसके साथ अंदर नहीं जा सकती, इसलिए इसे देना होगा, तभी बैंडेज के लिए जा सकती हो। चलो, आपका कछुआ यहाँ आपका इंतजार कर रहा होगा। क्या जानवरों के साथ अनुमति नहीं है? लेकिन मेरा पास्कल मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। हम अलग अलग नहीं है। मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, यह सही है। मैं इसे सामान के नीचे छिपा सकती हूँ। पास्कल, मेरे सिर पर शांति से बैठो। हम तुम्हें एक टोपी से कवर करेंगे और चारों ओर एक स्कार्फ बांधेंगे। बढ़िया, अब हम इसे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। चलो दिखावा करते कि मुझे फ्लू है। ओह, ये बहुत ठंडा है। टेम्परेचर 39.9 है। हेलो नर्स, मुझे तुरंत डॉक्टर की मदद चाहिए। कोई जानवर नहीं है, बस सर्दी है। अंदर आओ, वास्तव में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। हालांकि आज बहुत से लोग अलग अलग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने सभी को पकड़ लिया है। अरे रुक जाओ, क्या तुम्हारे सिर पर गिरगिट है? चले जाओ यहाँ से। और वे सभी उन्हें मेरी ही शिफ्ट में क्यों आ रहे हैं? क्या तुम हाथी भी लेकर आ सकते? नमस्ते, यहाँ आपके पार्सल है, आप इसे ले सकते हैं। ओह, धन्यवाद। चलो अब देखते हैं कि उन्होंने मेरे बॉक्स में क्या रखा है। ओह, गुलाबी पोछा। बढ़िया है, यह निश्चित रूप से मुझे अपने फेवरेट घर से जालों को ग्लैमरस तरीके से हटाने में मदद करेंगे। ओह, कितना विशाल मकड़ा है। डर के मारे कहीं मेरे सारे बाल ही सफेद ना हो जाए। ओह नहीं, यह कितना विशाल मकड़ा है। वाह, मेरा वैक्यूम क्लीनर सारे मकड़ों को अपने अंदर खींच लेगा। और मेरे लिए क्या है? या रबर के दस्ताने। अब मैं अपने सपनों के घर से कचरा साफ कर दूंगी। सबसे पहले जाले। बढ़िया, वाव किम। हाँ, मुझे पता है कि मैं वाव हूँ। यह गुलाबी कालीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे घर के अस्तर के लिए इसकी जरूरत है। इसलिए मैं एक स्टेपलर पकड़ती हूँ और इस खूबसूरत नरम गुलाबी कालीन के साथ घर को ढकना शुरू करती हूँ। मुझे यह रंग बहुत पसंद है। खिड़कियों के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और यह दिल घर की छत पर अद्भुत लगेगा। सभी को पता चलना चाहिए कि सुंदर किम यहाँ रहती है। और अब मुझे बालों को थोड़ा ट्रिम करने की जरूरत है, लेकिन मेरे नहीं, घर के। इसके लिए उसकी देखभाल की जरूरत है, जो मैं हमेशा सुंदर रहने के लिए अपनी करती हूँ। और मेरा मुलायम घर तैयार है। ओह, लगता है वो घर सजा रही है। मैं भी करूँगा। और मुझे इसके लिए नीली प्रिंगस की जरूरत होगी। आखिर मैं बचपन से ही इन चिप्स को खाता आया हूँ और साथ ही इन डब्बों को जमा करता आया हूँ। मुझे इस समय के लिए उनकी जरूरत थी। और यहाँ मेरे फेवरेट नीले गमी रहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, ओरियो, मुझे ये कुकीज बहुत पसंद है। चलो इसे छत पर चिपका दे। वाह, ये यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और एक झंडा तैयार। आउच मिया, तुम वहाँ
कर रही हो? ओह, मैं बलून फुला रही हूँ। ये पीले बलून मेरे घर को सजाने के लिए एकदम सही है। मुझे सभी बलून्स को फुलाना होगा ताकि एक घर के लिए काफी हो। और यह आखिरी वाला। ओह, मैं थक गई हूँ। ओह, मुझे आँखों के सामने तारे नजर आ रहे हैं। ओह मिया, तुम कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। अब मैं अपने घर को सजाऊंगी, तो चलो नीचे से शुरू करें और ऊपर जाए। ये पीले बलून मुझे लंबे सॉसेज की याद दिलाता है। हाँ, ये बहुत फनी लगेगा। लग रहा है मेरा घर हवादार और रंगीन होगा और मेरा काम हो गया। वाव, केले बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे और चाहिए। चलो, एक गड्ढा खोद लिया और अंदर एक केला डाल दिया। बढ़िया। अब इसमें पानी डालेंगे और फिर थोड़ा इंतजार करेंगे। वाव, मैंने कितना सुंदर पेड़ उगाया है। ओह, और यहाँ मेरे फेवरेट केले हैं। ओह, और यहाँ मुझे पक्का से अपने सन बेड की जरूरत होगी, जिस पर मैं आराम कर सकती हूँ। मैं अपने सिर को ढक लेती हूँ ताकि धूप ना लगे। ओह, केले, मुझे लगता है अगर मैं एक दो खा लूँ तो पड़ोसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, इधर मत आना। अच्छा, ठीक है, तो मुझे कुछ जल्दी से सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओह हाँ, मेरे पास एक कार है, लेकिन मैं इसे कहाँ रोल कर सकता हूँ? अब मैं एक विशाल रेसिंग स्लाइड बनाने जा रहा हूँ। इसे यहाँ लगाया और इधर भी। वाव, कितना अच्छा। यहाँ कार को और यह फोर। वाव, कितनी तेजी से आ रहा है, कितना अच्छा। आह, ये लड़के भी ना बस। खैर, मेरे पास यहाँ कुछ और दिलचस्प चीजें हैं। यहाँ कुछ उपकरण और मेरे झूले के हिस्सों का एक छोटा सा सेट है। मुझे बस इकट्ठा करना है और मैं इसे कुछ ही समय में कर लूंगी। बस इस तरह से। वाव, मेरा गुलाबी झूला तैयार हो गया और मैं अपने यूनिकॉर्न के साथ यहाँ खेल सकती हूँ। बहुत बढ़िया। और यहाँ मेरा मेल बॉक्स एकदम सही रहेगा। वाव, मुझे भी एक मेल बॉक्स चाहिए। अक्सर मेरे फैंस मुझे लेटर भेजते हैं। मैं फूल को पेंट में डुबो कर मेल बॉक्स पर फूल प्रिंट कर दूंगी। कितना सुंदर है। वाव, कूल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे भी मेल बॉक्स चाहिए। हिप्पो बॉब से मिलो, यह मेरे मेल की रक्षा करेगा। हेलो सभी को। हेलो, मैं पोस्टमैन सैम हूँ और मैं तुम्हारी चिट्ठियाँ लाया हूँ। वाव, तुम्हारा मेल बॉक्स कितना अच्छा है मिस। यहाँ तुम्हारा लेटर है। ओह, गुड आफ्टरनून मिस्टर डैन, मैं तुम्हारे लिए भी लेटर लेकर आया हूँ। दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए कोई और मेल नहीं लाऊंगा। अपना मेल बॉक्स बदलो। और यहाँ कौन रहता है? वाव, क्या खूबसूरती है। मैं, ओ, 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 माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यह अजीब था। यहाँ आपका लेटर है, मेरी मिस यूनिवर्स। धन्यवाद, मुझे जाना है, जल्दी मिलते हैं। इस कार से मैं बोर हो गया हूँ। हाँ, मैंने अभी तक घर के अंदर कुछ नहीं किया है। मुझे जल्द ही अपने सपनों का घर बनाना है। ओह, यह यहाँ कितना खाली है। मुझे यहाँ कुछ अच्छा चाहिए। मैं दीवारों से शुरू करूंगा। दीवारों पर नीला रंग एकदम सही लगेगा। अब मैं सब कुछ पेंट करूंगा। ओह, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। अब आगे क्या करूँ? ओह हाँ, बिल्कुल कालीन। ये सॉफ्ट पजल्स एक असली लड़के के कमरे में शानदार दिखेंगे, पर कुछ कमी है। यहाँ मेरे खिलौनों के साथ एक दीवार होगी और वे यह रहे। वाह, अब मैं यहाँ सब कुछ लटका देता हूँ ताकि सभी जान जाए कि मैं कूल हूँ और मैं केवल कुछ खिलौनों के साथ खेलता हूँ। यो, और ब्लू मैन हर चीज की रक्षा करने के लिए। और दीवारों पर मेरे कुछ पेंटिंग्स और क्रिस्टल्स, कभी भी खराब नहीं लगेगा। ओह, और मुझे इस टेबल की भी जरूरत होगी। वाओ, और इस पर रखने के लिए मेरे पास कुछ है। या मेरे हैमस्टर के लिए घर। मेरे छोटे हैमस्टर पीट से मिलो, वो मेरे साथ रहेगा। और यह बीन बैग मेरे लिए है। अब सब कुछ तैयार है। कूल, अब आराम कर सकते हैं और मेरे छोटे दोस्त के साथ मजा कर सकते हैं। वो मेरे गेम्स के लिए लकी होता है। मुझे मेरे सपनों का घर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। यह अद्भुत है। ओह,
मैं भी अपने कमरे को महल की तरह सजाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं अपना मैनिक्योर कर लेती हूँ। ओह, ये गुलाबी नाखून किसी को भी दीवाना बना दे। और ये दीवारें इतनी सफेद क्यों है? ऐसे नहीं चलेगा, तुरंत इसे तुरंत गुलाबी रंग से पेंट करना होगा। चलो। वाह, कितना प्यारा है, पूरे कमरे में दिल ड्रॉ कर दिया, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। वाह, मेरा गुलाबी कमरा, लेकिन फर्श खाली है, अच्छा नहीं लग रहा है। गुलाबी कालीन अब चलन में है, और यहाँ कुछ दिल और एक सुंदर लाइट यहाँ अच्छी लगेगी। बढ़िया, मैं सभी के लिए प्यारे किसेस भेज रही हूँ। और मेरे पास यहाँ क्या है? यह सुपर लंबे हाथ पैर वाला गुलाबी जिराफ। मेरी ओरिजिनल पेंटिंग यहाँ पर। yes! बहुत अच्छा, और यह टेबल यहाँ पर अच्छा है। okay. मेरे पास अपना सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है, और यहाँ एक आईने के साथ एक अच्छी टेबल होगी ताकि मैं हर दिन सुंदर दिख सकूं। ओह, मेकअप को अपडेट करना जरूरी है, मैं चमक रही हूँ, मेरे बाल सबसे नरम है, और एक अच्छा परफ्यूम सफलता की कुंजी है। अब मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। ओ, मेरा कमरा तैयार है, ये सबसे सुंदर है। ओ, मैं तुम्हें इस घर की एक और सुंदर चीज से मिलवाना लगभग भूल गई। यह मेरी बिल्ली मार्टा है। ये सफेद दीवारें मुझे दुखी करती हैं। मुझे इसे तुरंत ठीक करना होगा, और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। पहले हम दीवारों को चमकदार और अधिक पॉजिटिव बनाने के लिए पीले रंग से रंग देते हैं। मैं पेंट डालती हूँ और इसे रोलर से मिलाती हूँ। मुझे दीवारों पर पेंट करना बहुत पसंद है। अब मैं सूरज ड्रॉ करूँगी। देखो, यह कितना आसान था। और इसकी किरणें इस तरह से। वाओ, चलो तुम पर भी पेंट लगा देती हूँ। और दीवार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फर्श खाली है। यहाँ पर बालू की जरूरत है, मुझे सी बीच की बालू बहुत पसंद है, ये बहुत नरम और गर्म है। हाँ, थोड़ा और डाल देती हूँ। बहुत बढ़िया। और दीवारों पर कुछ पोस्टर्स की भी जरूरत है। मेरे पास एक नाजुक फूल और एक फूल बत्तख है, यहाँ और यहाँ। वाओ, और इस मेरे रैक को देखो। और मैं लगभग अपने फेवरेट दोस्त के बारे में भूल गई, एक डक सॉफ्ट टॉय। यह सब कितना अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी। और मुझे एक टेबल की भी जरूरत है, मुझे एक छोटी कुर्सी भी चाहिए। यह पीला इन्फिलेटेबल सर्कल एकदम सही है, यह इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा गिटार बजाने का मन हो रहा है। हाँ, आपको यह कैसा लग रहा है? मैं बाद में एक म्यूजिक कंसर्ट करूंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ। छत पर फूल सही होंगे, और मेरे प्यारे पालतू जानवर की एक तस्वीर, ये बहुत प्यारा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। वैसे रिची खुद कहाँ है? रिची, मेरे पास आओ। हेलो मेरे दोस्त, चलो खेलते हैं, तुम्हें खेलना पसंद है ना? आओ साथ में गाते हैं। बेबी अपनी ड्राइंग खत्म कर रही है। तुम क्या खाना चाहती हो? ओह, बेबी को पैनकेक्स चाहिए, क्या आप इसे करेंगे? क्या सभी तैयार है? ओ एनी, बैटर को ऐसे बर्बाद मत करो, वेंसडे तैयार है। और दादी, ओ दादी, क्या आप ठीक हो? चलिए शुरू करें। ओह, तो मेरा बैटर तैयार है, मुझे पता था कि मुझे ब्रांडेड पैनकेक्स पकाना होगा। अब चलो एक टावर बनाते हैं और मेरी प्यारी पोती को खिलाते हैं। क्या कमाल की खुशबू है। वाह, तैयार। अब मैं इसमें कुछ मीठा डालूंगी ताकि बेबी को यह जरूर पसंद आए। चलो मेरा फेवरेट मैपल सिरप डाले, और थोड़ा बटर, और मेरे पास रेनबो पैनकेक्स होंगे। और मेरे पास रेनबो के सभी रंगों का बैटर है, मैं रेनबो ड्रॉ करने के लिए और नहीं रुक सकती। ओह, ये क्या हो रहा है, ये क्यों निकल क्यों नहीं रहा है? हेलो, ओह, अरे नहीं, मैं बैटर से ढकी हुई हूँ। सब ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसे अभी साफ कर लेती हूँ, और खाना बनाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पहला पैनकेक है, बढ़िया। एक यूनिकॉर्न के बिना कैसा रेनबो, बिल्कुल सही। मैंने अपना काम खत्म कर लिया, दादी आप क्या कहती हैं? हुर्रे, मुझे अपनी काली डाई नहीं मिल रही है, वह यहाँ नहीं है। थिंक, ओह, वो केवल यहाँ ही नहीं है, बल्कि मेरी काली डाई लेकर आई है, धन्यवाद। चलो कुछ बूंदे गिराओ, और तुम्हारा काम हो गया।
अब मैं सिरिंज में बैटर ले लेती हूँ, इसे ड्रॉ करने में बहुत सुविधा होगी। अब मैं एक बहुत ही भयावह स्पाइडर वेब और स्पाइडर ड्रॉ कर रही हूँ। कितना प्यारा, बहुत अच्छा। जरा इस बकरी को देखो, प्लेट को ताजे खून से सजाए, ओ मतलब स्ट्रॉबेरी सिरप से, और इस पर वेब और मेरे प्यारे मकरियों को रखेंगे, एक मास्टरपीस। वाओ वेंसडे, ये डरावना निकला, ओ और स्वादिष्ट भी। हाँ, क्या सभी तैयार है? बेबी, इसे ठंडा होने से पहले खाकर बताओ। हाँ, तो हमारे पास यहाँ क्या है? सब कुछ कितना सुंदर है। ओह, क्या ये असली मकरियाँ है? ओ माँ, ये पैनकेक्स है। वेंसडे ने मुझे फिर से डराने का सोचा है। शायद ये दिखने में जैसा है उसे बेहतर स्वाद का होगा। स्पाइडर प्यारे होते हैं और खाने वाले स्पाइडर बिल्कुल भी डरावने नहीं होते हैं। स्वादिष्ट। आगे क्या है? ओ, बहुत सारे पैनकेक सिरप के साथ। ये स्वादिष्ट होगा, मुझे इसे जल्दी चखना चाहिए। स्वादिष्ट, मीठा, बहुत अच्छा। और आगे क्या है? वाओ, ये एक यूनिकॉर्न पैनकेक है और एक रेनबो। और ये यूनिकॉर्न पैनकेक सीधे उड़कर मेरे मुंह में आ जाएगा। अद्भुत। यस। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, यूनिकॉर्न पैनकेक विनर है। मुबारक हो, इनिट बधाई हो। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, क्या आप इसे करेंगे? ओके। मुझे बहुत भूख लगी है। बेबी, चिंता मत करो, यहाँ बहुत अनुभवी लोग काम कर रहे हैं, है ना दादी? हाँ बिल्कुल, इसे वापस दो वेंसडे। अच्छा ठीक है, ले लो। ओह, यह क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो? मुझे पूरे छिलके से ढक दी हो, क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकती हो? ओह इनी, तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें मदद चाहिए? लाओ मैं मदद करती हूँ, चलो मैं इसे खींचती हूँ, देखो। धन्यवाद दादी। अब मैं इसे एक विशेष चाकू से काटने जा रही हूँ। देखो कितने सुंदर आलू है, कर ली। हाँ, मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया है, मैं रंगीन फ्राइज बनाना चाहती हूँ, है ना ये अच्छा? मैं सुंदर रेनबो फ्राइज बनाने जा रही हूँ, जैसा बेबी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तैयार। और अब ज्यादा काम नहीं बचा है, एक फ्राइंग पैन में इसे फ्राई करना है। मेरे पास एक फ्राइंग पैन है, तेल और स्टोव है, मैं इसे फ्राइंग पैन में डालकर फ्राई करती हूँ। बढ़िया, यह इतना आसान है कि मैं शेफ बनने के बारे में सोच रही हूँ। क्या मुझे शेफ हैट मिलेगी? तो मेरा फ्राइज तैयार है। इनिट, तुम बहुत अच्छी हो, यह बहुत बढ़िया बना है। मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, मैंने साधारण आलू बनाए हैं, रंगीन नहीं, पर ये बहुत स्वादिष्ट है और क्रिस्पी भी। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। चलो कुछ केचप डाले। यहाँ बहुत स्वादिष्ट। और मेरे फ्राइज तैयार हो चुके हैं, हम इसे निकाल सकते हैं और हम इसे पेंट करेंगे। ओह, मैं थोड़ी गंदी हो गई हूँ, बेशक काला मुझे सूट करता है, लेकिन मैं अभी एक नए स्टाइल के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं आलू को काले रंग में रंगना चाहती थी, खुद को नहीं। मेरे गर्म आलू तैयार है, अब इसे केवल फाइनल टच देना बचा है। वाह, तुमने सोचा नहीं होगा कि ये केवल आलू नहीं बल्कि उसके पंजे होंगे। बेबी, फ्राइज तैयार है, चलो चक्कर बताओ। वाह, कितने खूबसूरत फ्राइज है। और वेंजन ने मुझे फिर से डराने का फैसला किया, लेकिन मैं अब और नहीं डरूंगी, ये सिर्फ फ्राइज है। वाह, सुपर स्वादिष्ट, मैं रुक नहीं सकती। आह, और यहाँ क्या है? ओह, तो यह केचप के साथ सामान्य फ्राइज है, लेकिन यह भी बुरा नहीं है। बहुत 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 स्वादिष्ट। बहुत ही ज्यादा अच्छा है यह। लेकिन यह तुरंत अपनी ओर ध्यान खींच रहा है, यह रेनबो फ्राइज है, इसके तो मैंने केवल सपने देखे हैं। मेरे दांतों में रंग लग गया है, मेरा पेट भर गया है और रेनबो फ्राइज जीत रहा है। व
वाह इनी, तुम फिर से जीत गई, मुबारक हो। बेबी ने ड्राइंग खत्म कर लिया है। इस बार क्या है? वो एक बर्गर चाहती है। वाह, क्या सभी तैयार है? मैं ऐसा बर्गर बनाऊंगी जैसा बेबी ने कभी नहीं खाया होगा। सबसे पहले मैं बंस को सेकूंगी, फिर टमाटर जिसे रिंग्स में कटा हुआ होना जरूरी है, और कीमा मीट। अच्छे कीमा से कटलेट बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, चलो पहले इसे गोल बनाती हूँ और फिर पैन में डालकर सेकती हूँ, और फिर सलाद के पत्ते, रसदार कटलेट, चीज, टमाटर और एक बन के साथ सब कुछ कवर करती हूँ। ओह, मेरा सब तैयार हो गया। ओह चलो इनी, ये एक साधारण सैंडविच है, मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास भी एक आइडिया है। ये बंस मुझे कुछ खास नहीं लग रहे हैं। मैं कुछ स्वादिष्ट ले लेती हूँ। डोनट, मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ूंगी, मीठा। मेरे बर्गर में एक खास बात होगी कि वह बहुत मीठा होगा। बच्चा सब कुछ खट्टा, मीठा और स्वादिष्ट पसंद करते हैं। मैं यही करूँगी। कैंडी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, अब इसमें मार्शमेलो डालना बचा है। कितना स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट और मीठा। मैं इस मीठे बम को खुद खाना चाहती हूँ। अब इसे ऊपर से ढक देती हूँ और ये तैयार। यहाँ मेरे काले बंस तैयार हैं। हम उस पर चीज डालेंगे, एक लाल मीट कटलेट। हमें अधिक चीज और अधिक खून की जरूरत है, यानी केचप की। हाँ, तो आप इसे ढक सकते हैं। और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है, चिप्स मेरे लिए नहीं बल्कि बर्गर के लिए। वे मेरे मॉन्स्टर बर्गर के लिए एक बढ़िया जीप का काम करेंगे। थिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें नहीं खाएगी। तुम मेरे आइस लेना चाहती हो? अरे ये मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद थिंग, तुमने मुझे गमी आइस दिया, वे तुम्हें भी सूट करते हैं। लेकिन अभी मेरे बर्गर को इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरा बर्गर बहुत ही प्यारा बना है, चखने के लिए तैयार। सारे बर्गर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? ओ, मैं इस अजीब के साथ शुरू करूंगी। यह फनी है और बहुत स्वादिष्ट है। और आगे क्या है? ओ हाँ, यह बर्गर जैसा मैंने ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसा लग रहा है। इसे जरूर अच्छा होना चाहिए। मैं इसे खाने जा रही हूँ। यह क्या, प्याज? छी, नहीं, मैं इसे अब नहीं खाऊंगी। दादी मैं प्याज नहीं खाती। तो यह क्या मीठा बर्गर है? इसे इनिड ने बनाया है। वाह, ये बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। मैं किसे चुनूं और जीत जाती है? वेंसडे को। वाह, गमी आइस भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, बधाई हो। क्या तुम खुश हो रही हो? वाह, चलो वेंसडे, अपने सभी दांतों के साथ पूरा मुस्कुराओ। नहीं, खैर ठीक है, पर तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। मुझे कोको चाहिए, क्या आप इसे करेंगे? क्या सब तैयार है? मुझे आशा है सब कुछ स्वादिष्ट होगा। कौन शुरू करेगा? हाँ, अब मैं एक सॉस पैन में कोको और दूध मिलाने जा रही हूँ। यह सुपर स्वादिष्ट कोको होना चाहिए। चलो कुछ चॉकलेट मिलाएं। चॉकलेट ड्रिंक। तो मेरा कोको केवल एक मग में सर्व किया जाना चाहिए जिसमें मेरी पिक्चर हो, यह बेहतर है। सभी को पता चलना चाहिए कि यहाँ नंबर एक कौन है। दादी आप सच में बेस्ट हैं, लेकिन मेरा कोको भी कोई खराब नहीं होगा। मेरे पास कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट है। अब मैं फ्राइंग पैन में कुछ चीनी डालूंगी। कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी दादी। ठीक है, और अब मुझे दूध की जरूरत है। मैं दूध खोलती हूँ। ओह चलो खुल जाओ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, इतना कोको के लिए काफी होगा। मैं इसे सिर्फ सफेद नहीं छोड़ सकती, मुझे थोड़ा नीला रंग चाहिए, आकाश की तरह। देखो कितना सुंदर है। पीली क्रीम काम आएगी। अब मैं इसमें स्वादिष्ट धारियां बनाऊंगी। चमकीले स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूलना है। चलो इसमें अपना कोको डालें
अच्छा है ना? मुझे तो लगता है यह कमाल का है, बेबी खुश हो जाएगी। और कैंडीज और डेकोरेशन, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? वाह, बहुत बढ़िया। और यह स्ट्रॉ रेनबो के साथ। थिंग, क्या तुमने यह रंगों का पागलपन देखा है? मैं किसके बगल में काम कर रही हूँ? मुझे लगता है कि तुम समझ गई हो कि मैं किस तरह का कोको बनाने जा रही हूँ। मैं अपने फेवरेट ग्लास में कोको डालूंगी। अब इसे सजाऊंगी, वर्म्स जोड़ूंगी और ये गमी कैंडी होंगे। हम ज्यादा डराएंगे नहीं। तैयार? अगर सभी तैयार हैं तो बेबी तुम इसे चक्कर बताओ। क्या तुम तैयार हो? ओ हाँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह कोको बहुत रंगीन है। ये जरूर इनिड ने बनाया होगा। स्वादिष्ट। ओ, और यह मेरी प्यारी दादी है। दादी के कोको हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। वाओ, बहुत अच्छा। ओ, और यह फिर से वेंसडे का है, उसकी फेवरेट खोपड़ी। चलो इसे ट्राई करें। गमी कैंडी और कोको स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे किसी एक को चुनना है। मैं इसे चुनती हूँ। इनिड फिर से